सो ये है वन प्लस एट जो कि बैक इन 2020 में लॉन्च हुआ था एंड इसको लॉन्च हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। ये वन प्लस की तरफ से पहला 5G फोन था एंड मैंने इसको सेकेंड हैंड बाय करा है। आज की इस वीडियो में हम वन प्लस एट का इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं कि क्या आपको इसको 2024 में सेकेंड हैंड बाय करना चाहिए या इस फोन को स्किप करना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे सिर्फ आपका भाई है जो सेकेंड हैंड फ्लैगशिप को बाय करता है एंड उनका इन डेप्थ रिव्यू चैनल पर डालता है। शुरुआत करते हैं वन प्लस एट के लुक एंड फील से। तो 3 साल बाद आज भी ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसका इन एंड फील बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, आपको ये बिल्कुल भी बल्कि फील नहीं होगा। बैक साइड आपको ग्लास मिल जाता है, इसमें कर्व डिस्प्ले भी है तो कवर तो आपको इसमें यूज करना ही पड़ेगा। वैसे यहाँ पर जो ग्रिप है वो आपको तगड़ी देखने को मिल जाती है। ड्यूरेबिलिटी में यहाँ पर फ्रेम आपको पूरा एल्यूमिनियम का मिल जाता है जो कि अच्छा खासा मजबूत है। फ्रंट एंड बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। इसमें आपको वन प्लस का 3 स्टेज वाला आइकॉनिक कलर स्लाइडर भी मिल जाएगा जिससे आप फोन को जनरल वाइब्रेट म्यूट कर पाओगे। पोर्ट्स में यहाँ पर हेडफोन जैक गायब है। स्पीकर्स यहाँ पर आपको 2 देखने को मिल जाते हैं जिनका साउंड लाजवाब है। वही जो सिम ट्रे है उसमें आप 2 5G सिम लगा सकते हैं। एक्सटर्नल SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है एंड मैंने इसमें 5G भी चलाकर देखा है, स्पीड बहुत ही तगड़ी आती है। एक चीज और मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ग्लोबली इसमें 8 से 9 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं लेकिन इंडिया में ओनली 1 ही 5G बैंड देखने को मिलता है। बाकी का यहाँ पर 5G की जो स्पीड है वो आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बाकी का यहाँ पर जो कॉल क्वालिटी है वो भी आपको बहुत शानदार देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको 2 माइक मिल जाएंगे। वन प्लस का खुद का डायलर भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। कॉल रिकॉर्डिंग आप विदाउट अनाउंसमेंट के इस फोन में कर पाएंगे। बाकी का जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो भी आपको बहुत ही प्रीमियम देखने को मिलने वाला है। बहुत अच्छी वाइब्रेशन मोटर इसमें लगी हुई है, टाइपिंग करते टाइम आपको मस्त प्रीमियम ठकठक वाला एक्सपीरियंस मिल जाता है। वहीं सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से रजिस्टर हो जाता है एंड बहुत ही सिक्योर एंड फास्ट है। सामने की तरफ आपको 6.55 इंच का एक फुल HD प्लस एक खूबसूरत कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले भी मिल जाएगा। HDR 10 प्लस एंड 90Hz भी मिल जाता है एंड इसका 90Hz तूफान की तरह चलता है। कंटेंट देखने में भी आपको बहुत मजा आएगा, वीडियो मैक्स क्वालिटी पर आप चला पाओगे, कलर्स बढ़िया आते हैं, व्यू एंगल्स भी कमाल के हैं, बेजल्स भी कम है एंड डिस्प्ले कर्व होने के कारण बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इंडोर में एज वेल एज आउटडोर में भी फोन बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर आप यूज करोगे तो आप इस फोन को इजिली यूज कर पाओगे। ओवरऑल यहाँ पर अगर आपकी मेन प्रायोरिटी डिस्प्ले तो इसका डिस्प्ले आपको परफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये 3 साल पुराना वन प्लस परफॉर्म कैसा करता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन का 865 देखने को मिल जाता है। डेली लाइफ यूसेज में फोन बहुत ही स्मूथ चलता है। CPU थ्रॉटलिंग स्कोर, ऑन टू डू स्कोर, गीक बेंच स्कोर सब बढ़िया है। स्टोरेज टाइप आपको लेटेस्ट वाली UFS 3.0 देखने को मिल जाती है जिसके कारण एप्लीकेशन फटाफट ओपन होती है। एनिमेशन कमाल के एंड स्क्रोलिंग भी आपको रपर अप देखने को मिल जाएगी। इसमें जो 90Hz है वो बहुत ही स्टेबल चलता है, आपको फोन बिल्कुल भी स्लो फील नहीं होगा। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी कमाल का करा गया है। एक तो इसकी UI में आपको कोई भी फालतू का कचरा एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलती है, ये ऑक्सीजन OS के साथ आता है जो कि मार्केट में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लीन UI है। अभी करंटली एंड्रॉइड 13 पर है, वन प्लस की पॉलिसी के हिसाब से इसको एंड्रॉइड 14 का भी अपडेट जल्दी देखने को मिल जाएगा। रैम आपको यहाँ पर 6GB की LPDDR5 वाली मिल जाती है। मल्टीटास्किंग भी बहुत कमाल की है, एक भी ऐप रिलोड नहीं होती है। वहीं जो ऐप स्विचिंग है वो भी आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी। प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो जब से मैंने इस फोन को यूज़ कर रहा हूं मेरे दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि फ़ोन स्लो चल रहा है, इसको चेंज करना चाहिए या अपग्रेड करना चाहिए। वैसे मार्केट के अंदर 25,000 रुपये के अंदर बहुत से न्यू फ़ोन लॉन्च हुए थे जैसे कि Realme 11 Pro, Nothing Phone 1, Moto H 40, Moto H 40 Neo, इन सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म OnePlus 8 करता है क्योंकि OnePlus 8 में आपको Snapdragon का फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाता है एंड OnePlus 8 की जो सेकेंड हैंड प्राइस है वो 25,000 रुपये से बहुत ही ज़्यादा कम है। बात करें यहाँ पर गेमिंग की तो वो भी बहुत तगड़ी देखने को मिल जाएगी। GPU आपको Adreno 650 देखने को मिलता है। BGMI यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। ग्राफिक सेटिंग आपको मैक्स मिल जाएगी। स्मूथ प्लस 90fps भी आप इसमें खेल सकते हैं एंड यकीन मानिए गेम यहाँ पर बड़ा ही स्मूथ चलता है। रिएक्शन टाइम फास्ट है, फ्रेम ड्रॉप यहाँ पर ना के बराबर है, मूवमेंट भी आपको फास्ट मिल जाती है। ओवरऑल आप इसमें हैवी गेमिंग ईजिली कर पाएंगे एंड कोर गेमिंग के लिए अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो वन प्लस 8 सिर्फ आपके लिए ही बना है। आप इसको गेमिंग के लिए, हार्ड कोर गेमिंग के लिए ईजिली कंसिडर कर सकते हैं। वही जो बैटरी है वो 2024 के हिसाब से नंबर के मामले में कम है क्योंकि इसमें आपको 4300mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि आराम से आपका पूरा एक दिन निकाल देगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपने इस फोन में हैवी गेमिंग या हैवी कैमरा यूसेज करी तो फोन आपको 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है।
बाकी का यहाँ पर 30 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है जो कि पूरे फ़ोन को एक घंटे के अंदर चार्ज कर देता है। तो वन प्लस एट यहाँ पर मेरे हिसाब से चार्जिंग एंड बैटरी के मामले में सॉर्टेड है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि है इसके कैमरास, एंड ये भी पता चल जाएगा कि 3 साल बाद इसके कैमरास कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, एंड 2 मेगापिक्सल का फालतू का मैक्रो कैमरा भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पर अच्छे डिटेल वाले फोटो चाहिए तो 48 मेगापिक्सल आपको इनेबल करना पड़ेगा, नहीं तो 12 मेगापिक्सल से शॉट्स आते हैं। 12 मेगापिक्सल के शॉट्स दिखने में तो सही लगते हैं लेकिन जूम करने पर डिटेल्स नहीं रहती है। वहीं 48 मेगापिक्सल में आपको डिटेल्स एक नंबर मिल जाएगी। डायनेमिक रेंज को भी ये ठीक ठाक तरीके से कंट्रोल कर लेता है। आपको आईफोन जैसा रिजल्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी अंडर 30,000 रुपीज़ जो न्यू फ़ोन आ रहे हैं उनके कैमरास को ये फ़ोन आराम से टक्कर दे सकता है। बात करते हैं पोर्ट्रेट्स की, तो वहाँ पर आपको डिटेल्स एंड ब्लर इफेक्ट अच्छा मिल जाता है, एज डिटेक्शन भी बेहतरीन हो जाती है, कलर्स भी बढ़िया आ जाते हैं। बस स्किन टोन में मुझे हल्की सी रेड टोन देखने को मिली। बाकी का जो अल्ट्रा वाइड है उससे भी आप अच्छे फोटोज़ ले सकते हैं। 16 मेगापिक्सल जैसी क्वालिटी आपको मिल जाएगी, डिटेल्स बढ़िया रहती है, कलर्स भी सही आ जाते हैं, बस अगेन स्किन टोन रेडिश आती है। ओवरऑल जिस प्राइस रेंज में वन प्लस 8 सेकेंड हैंड मिल रहा है उस प्राइस रेंज में कोई भी ऐसा एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है जो वन प्लस 8 के कैमरास को बीट कर पाए। वहीं वीडियोस की बात करें तो मैक्स आप इससे 4K 60fps पर वीडियो बना सकते हैं। क्वालिटी यहाँ पर तगड़ी आ जाती है, स्टेबलाइजेशन भी कमाल का मिल जाता है। हल्की सी डिटेल्स की मुझे कमी लगी, बाकी का वीडियो बढ़िया बन जाती है। वहीं जो फोकसिंग स्पीड है वो भी आपको बहुत शानदार मिल जाएगी। ओवरऑल आप इससे अच्छी स्टेबल वीडियो बना पाओगे। लेकिन अगर आपका मेन कंटेंट क्रिएशन है, मतलब आपको वीडियो बनाने के लिए ही कोई फ़ोन चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको आईफोन की तरफ जाना चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल्फी की, तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। सेल्फी यहाँ पर डिटेल वाली आती है, पोर्ट्रेट सेल्फी भी आपको बेहतरीन मिल जाएगी। बस वीडियो में अगेन आप मैक्स 1080 30fps पर वीडियो बना पाओगे। अगर रील्स या शॉर्ट्स बनाने का शौक रखते हो या शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे से आप अच्छी वीडियो नहीं बना पाओगे। बाकी का यहाँ पर जितने भी मैंने कैमरा सैंपल लिए हैं उन सबको गूगल ड्राइव पर डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं कि इसके कैमरास कैसे वर्क करते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेन कंक्लूजन की कि क्या वन प्लस 8 को आपको 2024 में सेकेंड हैंड बाय करना चाहिए या इसको स्किप करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर फोन को मैंने जितना भी यूज़ करा है इतने साल बाद आज भी ये बहुत ही तूफान की तरह चलता है। एप्लीकेशन फटाफट ओपन हो जाती है, हैंग वैंग वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। परफॉर्मेंस वाइज 2024 में भी वन प्लस 8 बहुत सही परफॉर्म करेगा, एंड इसका जो कर्व डिस्प्ले वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बैटरी, चार्जिंग, गेमिंग भी आपको बेहतरीन मिल जाती है। फोन में यहाँ पर आपको 5GB देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया स्पीड देता है। मेरी तरफ से यहाँ पर वन प्लस 8 2024 में फुली रिकमेंडेड है। बस अगर आपकी यहाँ पर मेन प्रायोरिटी कैमराज हैं, खासकर अगर आपको वीडियो बनानी है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको इस फोन को स्किप करके किसी आईफोन की तरफ जाना चाहिए। वहीं जो वन प्लस 8 की जो सेकेंड प्राइस है, इसका जो बेस वेरिएंट है वो 6GB प्लस 128GB वाला आता है जो कि मैक्स टू मैक्स आपको 16-17 हज़ार रुपये का देखने को मिल जाएगा। उससे ज़्यादा इस फोन में आपको पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का अगर आपको सेकेंड हैंड फोन लेना है तो स्ट्रीट मोबाइल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको जेन्युइन सेकेंड हैंड फोन देखने को मिल जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी कुछ डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर।